दोस्तों ये खेत देख रहा हूँ आप, कितना शानदार सा नजारा है। और ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर। वो जो बोरवेल के साथ एक गाड़ी चलती है ना पीछे, जिसमें केसिंग अक्सर रखाते हैं, वो सपोर्ट कहते हैं उसको, वो गाड़ी यहीं आ रही है। इतना का लोड लूंगा, अगर 5,000 का भी लोड मिलता मुझे तो इसका डीजल का खर्चा आएगा 1,200-1,500 रुपए का डीजल में। इंदौर घूमी आएगी और अपन टोलटेक्स वगैरह सब मिला के टोटली खर्चा मिला के टोटली। अब आपने ये सवाल पूछा कौन सी गाड़ी के लिए, आप ये बताइए थोड़ा सा। ओल एमपी गाड़ी मेरी अगर मैं जीतो चलाऊंगा, ओल एमपी चलाऊंगा तो भाई मैं तो किलोमीटर से चलाऊंगा और जितना काम आएगा उतना अच्छा रहेगा। ओल एमपी तो चलाता हूँ ना मैं वैसे, यहाँ तो आता रहता है। लेकिन ये पाइप का लोड अपनों को बहुत दिनों बाद मिला है। मतलब मैं गया तो राइड में भी हूँ लेके, लेकिन आज दिन का बहुत दिनों बाद कर सकते हैं। तो ये हटे पहले, तो उसके बाद अपन अंदर चलें। अब इसका इंतजार करते हैं हटने का, कितनी देर ये लगाता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल इन्फो व्लॉग। भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे मेरी तरह जैसे मैं इनकम कर रहा हूँ। भाई अपनी जीतो है और अभी स्टार्ट है, मैंने इसे स्टार्ट कर रखी है सुबह से, स्टार्ट नहीं हुई, सर्दी ज़्यादा है तो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया इसे। और भाई अपन चल रहा है, पहले तो एक फ्रिज का लोड डालेंगे, उसी लोड में फिर उसके पास चलेंगे शामपुर और क्या लेके चलूंगा तो मैं बताता हूँ। और ये है हमारा मोहल्ले का दो अनमोल रतन। ठीक है, तो बने रहें व्लॉग के अंदर और कर दे लाइक अभी तो फटाफट। निकल चुके हैं रोज की तरह अपने मोहल्ले से, चलते पहले फ्रिज उठाने। ये रखा है भाई सामने फ्रिज, देख सकते हो आप अगर आपको दिख रहा हो दूर से, अभी करीब पहुंच रहा है अपन। देखो ये रखा है फ्रिज, ये अपने को डालना अपने की जीतों के अंदर। ये रख लिया भाई अपन ने फ्रिज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन। अपन ने रख लिया फ्रिज, सबसे पहले इसे अनलोड कर देते हैं। ठीक है, मेरा जो मोहल्ला दिख रहा है ना, बस मोहल्ले के मोहल्ले में ये लोड डालना था, आ गए, बस यहाँ से सीधा चलना है 2 कदम पे। अपन ने यहाँ पर फ्रिज दोस्तों, अपन ने वहाँ पर फ्रिज उतार दिया है, वहाँ लेडीज ज्यादा थी तो इस वजह से अपन वहाँ वीडियो बना नहीं पाए। और दूसरी चीज ये, मैंने खुद ने वहाँ उतरवाया है तो वहाँ थे नहीं कोई, तो इसलिए अपन वहाँ पर व्लॉग बनाने बाकी उतार दिया और अपन चल रहा है अपने दूसरे लोड की तरफ। बेटा अब तुम्हारे तो लेट हो मार्केट में, जो अपना मेन मार्केट है ये। ठीक है, चलते हैं अपन कमल पीढ़े पे। ठीक है भाई, अपन पीढ़े पे और ये लग रही है अपने सामने ट्रक, इसे हटवाना पड़ेगा पहले, जब जाके अपन उसे सामने रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। तो ये हटे पहले, तो उसके बाद अपन अंदर चलें। अब इसके इंतजार करते हैं हटने का, कितनी देर ये लगाता है। ठीक है, ट्रक स्टार्ट हो चुका है भाई, अभी पीछे जाएगा और अपन अपनी जीतों भी स्टार्ट कर ही देते हैं। पहले ये एक आध दो कदम पीछे करे, जब जाके अपन स्टार्ट करेंगे। ये तो अभी कितनी देर तक रेस देते हैं भाई, एयर बनाते हैं, कितना क्या करते हैं, ये सब एक इनके साथ एक सिस्टम है ट्रक वालों के साथ। अभी तो स्टार्ट रखेंगे ये भाई और एयर बनाएंगे ब्रेक, प्रेशर ब्रेक के लिए। ये एक जरूरी होता है इनको भाई एयर बनाना, नहीं तो ब्रेक ही नहीं आते, प्रेशर ब्रेक रहता है ना इनमें। चलो भाई अपन भी स्टार्ट कर लेते हैं, जाने लग गया है ये भी पीछे और अपन जाते हैं आगे और ये जाएगा भाई पीछे। ट्रक के सामने से जगह मिल गई अपनों को साइड में होने की, और ये बनाएंगे अपने भाई गाड़ी के अंदर।
दोस्तों यहाँ तो आता रहता है, लेकिन ये पाइप का लोड अपनों को बहुत दिनों बाद मिला है। मतलब मैं गया तो राइड में भी हूँ लेके, लेकिन आज दिन का बहुत दिनों बाद मिला है। छरकने ओनली, ज्यादा कोई वजन नहीं है आज, ओनली 6 पाइप अपने को लेके चल रहे हैं श्यामपुर। श्यामपुर, श्यामपुर के आगे कोई गांव है? आने दो और आगे सर का आवाज। दोस्तों डाल लिए अपन ने पाइप और चल रहा है अपन अपने श्यामपुर के आगे कोई गांव है 1-2 किलोमीटर, वहीं डालने हैं या फिर श्यामपुर में डालने हैं, जो भी होगा देखेंगे। ठीक है, काफी दिनों बाद ये लोड मिला है अपनों को, ये रखे 6 पाइप ओनली। आज फायदा ये है कि लोड अपनों को कम का मिला है, मतलब वजन कम है। ठीक है ना, चलो ठीक है। हाईवे पे निकल आए अपन, दोस्तों अपन तो अपने सफर पे चल ही रहे, तो एक कमेंट्स का मैंने सोचा एक जवाब दे दिया जाए। हालांकि उसका एक व्लॉग मैं अलग बना सकता था, लेकिन अभी तो मैंने कहा इसमें दे दिया जाए। तो पूछ रहे हमारे दुनिया जेब में भाई, जो हमें कमेंट्स करते रहते हैं बहुत बढ़िया से हैं और हमेशा अपनी पूरी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छे से सब्सक्राइबर का फर्द निभा रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपको जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप कॉमेंट कर रहे हैं और वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो भाई जी को तो आपका भी नमस्कार पूछते हैं। भाई जी एक बात बताओ कि अगर ऑल MP गाड़ी चलाते हैं तो कितने का काम हो सकता है? अब आपने ये सवाल पूछा कौन सी गाड़ी के लिए, आप ये बताइए थोड़ा सा। ऑल MP गाड़ी मेरी अगर मैं जीतो चलाऊंगा, ऑल MP चलाऊंगा, तो भाई मैं तो किलोमीटर पे चलाऊंगा और जितना काम आएगा उतना अच्छा रहेगा। ऑल MP तो चलाता हूँ ना मैं वैसे गाड़ी, मुझे कोई मना ही नहीं है, ऑल MP में चलाता ही हूँ, लेकिन लेके जाता नहीं हूँ मैं। ऑल MP में कहीं भी चला जाओ, MP का बॉर्डर कितने किलोमीटर, अभी मेरे यहाँ से मैं गया था, अभी तो राजस्थान लग गया था, हाँ एक बार मैं सुपर कैरी लेके गया था मेरा, तो दो वो भी 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर में बॉर्डर लग गई थी राजस्थान की। इधर से चले जाएंगे अपन तो इधर बैतूल साइड गया था ना, उसके थोड़ी सी दूर बाद ही 400 किलोमीटर पे महाराज की बॉर्डर लग जाती है। तो इतना तो मैं हो गया हूँ। अगर MP में गाड़ी आपको MP चलानी, जैसे आप कह रहा हो कि ऑल MP परमिट के हिसाब से गाड़ी चलाए, तो भाई आप किलोमीटर से गाड़ी चलेगी। और थोड़ा सा हो सकता है कि मैं सवाल आपका समझ नहीं पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सवाल आप पूछना चाहते हैं। बाकी जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ कि आप कितने किलोमीटर चला लो। अगर आपके पास लोड आ रहा है, लोड आ रहा है आपके पास लॉन्ग वाला, तो भाई किलोमीटर से ही गाड़ी चला सकते हो आप, इसके अलावा आप गाड़ी अंदाजे से नहीं चला सकते। मेरे हिसाब से मान लो मैं इंदौर जाऊंगा तो इंदौर 250 पड़ रहा है, तो बाद लोग उसमें 5,000 के भी जाते हैं, कोई 4,800 में भी जाता है, लेकिन रियल उसका लोड जो है 52-53 के आसपास पड़ता है मेरा हिसाब से लोड अगर देखा जाए आपको इंदौर का। बाकी लोग तो कम में चलाते रहे, अपने को इतनी टेंशन नहीं है, अपने गाड़ी भाई चलानी है, लेकिन इतनी उससे नहीं चलानी कि अपने को गाड़ी कुछ मिले नहीं, मिलेगा तो सही उसमें, लेकिन जो वाजिब है वही चलाओ भाई कम रेट में। मेरे हिसाब से तो है ना लोडिंग वालों की यूनियन होना चाहिए, सबको एक मारो होना चाहिए कि देखो कितने किलोमीटर में गाड़ी नहीं चलानी, कम कोई इशू नहीं है, चलानी नहीं चाहिए, को बन जाना चाहिए इसकी यूनियन है ना, और ड्राइवरों की बन जाना चाहिए यूनियन कि आप लोगों को इतना रोज का लेना है, ये तो इससे कम आप नहीं लोगे, ये भी एक चीज होना चाहिए ड्राइवरों में है ना। आप इंदौर जाना तो इंदौर कितने लोग है, 300 भोपाल के जाना हो तो भोपाल कितने लोग है, तो उस हिसाब से यूनियन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लोग अपने अपने दाल रोटी सेकते हैं भाई कि कौन कितने में जा रहा है, कौन कितने में जा रहा है, बाद लोग 300 में भोपाल, 500 में इंदौर, लेकिन मैं तो भाई 700 रुपये में इंदौर जाता हूँ, भोपाल 400 रुपये में जाता हूँ, कोई इंगेज मुझे लेके जाता है ड्राइवर ही पे, तो ठीक है मुझे कोई शर्म आती नहीं, मैं तो जाता हूँ।
बाकी आप जो पूछ रहे हैं कि नॉन एमपी परमिट पर गाड़ी कितना कमा सकती है, गाड़ी अच्छा कमा सकती है, लोग जाएंगे तो भाई जैसे मैं अभी इंदौर का लोड लूंगा, अगर 5,000 का भी लोड मिलता मुझे तो इसका डीजल का खर्चा आएगा 1,200-1,500-1,300 रुपए का डीजल में इंदौर घूमी आएगी, और अपन टोल टैक्स वगैरह सब मिला के टोटली खर्चा मिला के टोटली मेरा भी मैं निकाल लूंगा तो 2,000 रुपए बहुत बड़ी बात है जीतों के लिए कि 2,000 रुपए में अपन इंदौर का खर्चा आएगा जीतों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और भाई अगर 5,000 में आपने लोड लिया है तो मेरा भाई 3,000 रुपए आपके एक दिन के बच रहे हैं, और रोज अगर आपको इंदौर की लाइन मिल जाती है ये सच कोई बात ही नहीं है, और अगर 100 किलोमीटर की रोज की लाइन आपको मिल रही है 2,500-3,000 रुपए का भाड़ा भी अगर आपको मिल रहा है तो उसमें 700 रुपए जैसा मैं विदेश का लोड डाला कल तो वो लोड भाई 2,200 रुपए में पाल दिखा रहा आराम से पूरा है, और लोग देते भी इतने पैसे, और उसमें डीजल खर्चे क्या आया भाई 650, वैसे रियल तो आया 603 रुपए का लेकिन 650 मान लो आप, तो उसमें अपने को पैसे कितना बच रहा है, टोल भी अगर मिला के देखे तो 100 रुपए टोल लग रहा है ना, तो 700 रुपए 800 रुपए मान के चलो आप तो आराम से क्या बचते हैं आपको 1,200 रुपए। तो मेरे हिसाब से गाड़ी में कमाई अच्छी है, लाइन आपकी होना चाहिए, और ऑल एम पी आप चलाओ तो लॉन्ग लॉन्ग जाओगे, जितना लॉन्ग जाओगे उतना आपकी इनकम अच्छी रहेगी। तो ये आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपका जो सवाल था ये मैंने आपको सही दिया जवाब या नहीं दिया है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी जो बात है सही है या गलत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप, और चैनल कर ले सब्सक्राइब लाइक अभी से कर दो इस वीडियो को, ठीक है। तो अपन आगे आधे रास्ते पे शामपुर करीब पहुंचने वाले हैं, 7-8 किलोमीटर और अपना शामपुर बचा है। देखो शामपुर के रास्ते में अपन अब शामपुर पहुंच के ही आपको जहां मतलब जहां अनलोड होनी है वही पहुंच के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या हाल चाल है, बहुत दिनों में मिल रहा तुम तो यार। अरे मैं तो आ रहा हूँ यार, कल भी आया कल भी आया था भाई, मैं एक मिनट बेल्ट बोल लू जरा, मैं दो सौ का इधर का क्या, जब लोड आता है ना अपने पास जब अपना है ना इधर आना हो जाता और डीजल में यहीं से डालाता हूँ, लो ठीक है भाई। शामपुर आ चुका है, अब पूछता हूँ मैं उससे भाई कॉल करके या उसको ऑफिस ही चलता हूँ कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर ये अनलोड होंगे, अपनी गाड़ी का वजन कब कम होगा, ठीक है ना, पूछता हूँ। ये कैंपर खड़ी है, दिख रहे हैं आपको कैंपर भाई, इसके पास यही ऑफिस है इसका, बंदे का पता नहीं कहाँ है, ये है ऑफिस सामने, फोन भी उसी का है। हाँ दोस्तों, पान बिहार चलना पड़ेगा अपने को, वापस से यू टर्न मारना पड़ेगा भाई, पान बिहार चलना है, साले ने अपने को पहले बताया ही नहीं था। देखो इस साइड पे कोई है तो नहीं, पहले भाई इस साइड दूसरी तरफ देख लो इसके बाद ही चलो। रोड सामने जो दिख रहा है अपन इधर से आए, अपन इधर चले गए थे वापस, अभी इधर चलना अपने को, थोड़ा सा ध्यान रखता हुआ। चलना पान बिहार, ये बहुत सिंगल सा रोड है, ब्रेकर भी बहुत है यहाँ, थोड़ा सा आराम से अपनों को चलना पड़ेगा। ये देखो ब्रेकर वाले, ये पान बिहार वाला रोड है, इसमें अपने को लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, इससे पहले एक नदी पड़ती है, यहाँ पर ईंटें बन रही हैं, देखो आप ये अच्छी
बड़ी सी नदी है। ऐसे मोड़ों पे भाई पहले सिलो करके हॉर्न मारो, उसके बाद ही निकलो, क्योंकि उधर से कोई आ जाएगा जैसे ही अभी आगा जा चच्चा, किसी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखो इस चीज का। शानदार नजारा है, भेजो इतना प्यारा नजारा। ये अपन इनसे पूछने थोड़ा एक बार, पान बिहार रावणगढ़ा, क्या पान बिहार रावणगढ़ा यही है ना? ठीक, यही भैया रोड है, थोड़ा सा कंफर्म करना बहुत बेहतर। रूट तो मैंने सभी देखे हुए हैं भाई, कंफर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या जा रहा अपना कंफर्म करने में। ठीक है ना, तो ये ग्राम पान बिहार आ चुका है, अब अपनों को चलना रावणगढ़ा। इसके बीच में कोई घड़ी है मशीन, तो मशीन में अपनों को पाइप उतारना है, बहुत कंजेस्टेड रोड है। ब्रेकर बहुत बने हैं यहाँ, ब्रेकर्स तो बहुत हैं। तो गांवों में तो अक्सर ब्रेकर तो होते ही हैं। ये देखो कितना बड़ा ब्रेकर है, बहुत सिलो उतारना और चाहिए लेकिन ब्रेकरों पे। ठीक है, बने रहा ब्लॉग में। दोस्तों अपने को वो भाई मिल चुके हैं, सामने जा रहा है और ये अपनी गाड़ी चल रही है और रोड वही मिल गया अपने को, तो जिस रोड से अपन पीछे हटते हैं उस टाइप का ही रोड अपने को वापस मिल चुका है। इस रोड से अपना पीछे छूटने वाला नहीं है इस एरिया में। ठीक है, तो चलते हैं वहीं पर जहाँ गाड़ी खड़ी है। दोस्तों ये खेत देख रहा हूँ आप, कितना शानदार सा नजारा है, और ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर। वो जो बोरवेल के साथ एक गाड़ी चलती है ना पीछे, जिसमें केसिंग अक्सर रखाते हैं, वो सपोर्ट कहते हैं उसको, वो गाड़ी यहीं आ रही है, उसके अंदर अपन ऐसे कैसे पाइप रखवा देंगे। देखते हैं भाई, ये निकल गई गाड़ी, बड़ी मुश्किल से रिवर्स लेके आया हूँ यार, बड़ी मुश्किल से ये दो दो गाड़ी आ रही है। देखो बड़ी मुश्किल से, बहुत लपक के रिवर्स लेके आया हूँ मैं गाड़ी, साला दिमाग खराब हो गया, अब हो गया अनलोड। तो दोस्तों ये था आज का लोड, वो काफी परेशान हो गया मैं इस लोड में, भाई मेरी गर्दन भी दुखने लगी है भाई, बहुत बेकार रोड था, उस पर रिवर्स लानी पड़ी, आगे कोई ऑप्शन नहीं था साला घूमने का, और मैं व्लॉग बनाया भी नहीं पाया क्योंकि भाई गाड़ी निकालें क्या मोबाइल या वीडियो बना। ठीक है, तो इसको लाइक करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लो, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक ज़रूर करके जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।